कहानी का शीर्षक है वो घड़ी और तुम। मेरे कमरे की दीवार पर टंगी वो घड़ी और तुम से मेरा एक सा रिश्ता रहा है। मेरे पूरे दिन का उस घड़ी से और मेरे शाम के लम्हों का तुम से वास्ता रहा है। मेरे कमरे की दीवार पर टंगी उस घड़ी से और तुम से मेरा एक सा रिश्ता रहा है। सुबह आँख खुलते ही मेरी नज़रें उस घड़ी पर जाती हैं और साथ ही तुम्हारी याद आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी याद आती है। और देर रात तक नींद ना आने पर वो घड़ी मुझे रात की गहराई का एहसास दिलाती है और वो घड़ी मुझे रात की गहराई का एहसास दिलाती है। मैं कितना अकेला हूँ ये एहसास तुम्हारी याद दिलाती है। घर से जाते वक्त, घर आते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त बेवक्त मेरी नज़रें उस घड़ी पर जाती हैं। मेरी नज़रें उस घड़ी पर जाती हैं पर कमरे की खामोशी में सिर्फ टिक टिक की आवाज़ रह जाती है। बेटे का करियर, पोते की किलकारी या मेरी बीमारी, वक्त अच्छा था या बुरा इस घड़ी ने मुझे समय बताया है। हर खुशी हर गम में तेरे बिना मैंने खुद को अधूरा पाया है। कुछ दिन पहले ही ये घड़ी भी रुक गई है, पर पता है कुछ दिन पहले ये घड़ी भी रुक गई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी थम गई है। अब दीवार पर उस घड़ी की जगह और मेरे ज़िंदगी में तुम्हारी जगह दोनों ही खाली दिखती हैं। फिर भी कमबख्त नजरें हर पल हर पहर हर दिन उसी जगह आ टिकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी हर ख्वाहिश तुझ पर आ रुकती हैं। बातों बातों में बताना भूल रहा हूँ आज अकेले ही अपना 50वां साल गिन रहा हूँ। तेरी तस्वीर और बंद पड़ी उस घड़ी के साथ तुझको ये खत लिख रहा हूँ। कभी पढ़ पाती तो समझ आता कि कैसे मेरे कमरे की दीवार पर टंगी उस घड़ी और तुझसे एक सा रिश्ता निभा रहा हूँ। धन्यवाद।